उत्तर प्रदेश भारत का ये एक ऐसा राज्य है जो जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश कभी कभी कहा जाता है कि उत्तम प्रदेश, मगर जो खबरें उत्तर प्रदेश से आ रही है वो ना उत्तर प्रदेश में बैठ रही है ना उत्तम प्रदेश में बैठ रही है। उत्तर प्रदेश की खास बात ये रही है कि भारतीय राजनीति में जो बड़े बड़े नेता आए वो उत्तर प्रदेश होकर गए या उत्तर प्रदेश से गए, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से जो उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही है वो बड़ी खतरनाक है। अब बड़ा मामला ये है कि उत्तर प्रदेश के जो आदित्यनाथ योगी, अब एक योगी कलयुग से पहले हुआ करते थे और अब ये कलयुग जो है अब उसके योगी, भगवा कपड़ा पहन लिया तो योगी हो जाएगा, एकदम अच्छा साधु हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और हरा कपड़ा पहन लिया तो अच्छा सूफी हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग की जो कहानी है सबको पता है कि अब देश में या दुनिया में क्या चल रहा है। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। यहाँ एक PSI को गोली मार दी गई, सुबोध सिंह, वो ड्यूटी पर थे। एक अफवाह फैली कि गौवंश का कुछ मामला है, उसमें पब्लिक भड़की, और जब पब्लिक को संभालने के लिए सुबोध सिंह वहां पहुंचे अपने सहयोगियों के साथ तो भीड़ ने पहले उन्हें पत्थर से मारा और बाद में आंख के एक हिस्से से एक गोली निकल गई, इसका मतलब सामने से फायरिंग हुई, जो खबरें वहां से आ रही हैं। सुबोध सिंह के साथी जो पुलिस वाले थे वो उन्हें अकेला छोड़कर फरार हो गए और इनकी जान चली गई। उत्तर प्रदेश में भाजपा वाली सरकार में ये ऐसा पहला मामला नहीं है, इस तरह के ऐसे कई मामले आए हैं। लखनऊ का जो विवेक तिवारी वाला मामला था जिसको पुलिस वाले ने गोली मार दिया, ये मामला भी अभी जल्दी का ही है। हालात उत्तर प्रदेश के बिगड़ते चले जा रहे हैं। अगर भारत की आज़ादी वाले नेता होते तो अब तक इस्तीफा दे दिए होते, मगर हमारे जो योगी जी हैं आदित्यनाथ योगी वो एक दूसरे ही काम में लगे हुए हैं। हालांकि जहां से वो बिलोंग करते हैं, जहां के रहने वाले गोरखपुर, अब गोरख यानी खोटा, गोरखपुर यानी खोटा समझ रहे होंगे, ये वहां से बिलोंग करते हैं, वहां के रहने वाले हैं, तो पहले इनको गोरखपुर का ही नाम बदल लेना चाहिए, मगर वो नाम उनके ऊपर ही फिट बैठता है। देखने में यह आ रहा है कि आदित्यनाथ जी भगवा कपड़ा पहनकर उत्तर प्रदेश के जो मशहूर ठिकाने हैं उनका नाम ही बदली करने में परेशान है, और उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसका ये नतीजा अभी अभी देखने में आया कि PSI को गोली मार दी गई और वो शहीद हो गए। ऐसा कब तक? इधर नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो पूरी तरह से नाकाम होती जा रही है। योगी जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने वादा किया कि उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे, मगर उत्तम प्रदेश के बजाय उत्तर प्रदेश की क्या हालत है? उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही है डेली रोज, वहाँ शूट आउट हो रहा है, कभी इसको गोली मार दी गई, कभी उसको गोली मार दी गई, और योगी जी शहरों का नाम बदलने में परेशान है। इलाहाबाद का प्रयागराज, कोई ताजमहल के लिए आवाज़ उठा रहा है। विकास का काम कब होगा उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश के लोग पूरी दुनिया में मौजूद है, इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है। पिछले साल मैं उत्तर प्रदेश गया था तो उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं वहाँ से रोज 3 से 4 समाचार पत्र ले आता था, वहाँ के फ्रंट पन्नों पर, फ्रंट पेज पर सिर्फ हत्या की ही खबरें छपती थी, और अब वो ऐसा लगता है कि वहाँ के अखबार वाले फ्रंट पेज पर ही एक और सप्लीमेंट्री लगाते होंगे हत्या की खबरों को छापने के लिए, क्योंकि पहला पेज उनको अब कम पड़ता होगा, हालात इतने बिगड़ चुके हैं। और योगी जी राजस्थान में और मध्य प्रदेश में चुनाव कराने के लिए घूम रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा चुकी है, ये जग जाहिर है। अब अगर
आदित्यनाथ योगी को थोड़ी भी समझ हो तो या तो व्यवस्था को सही करें या वापस अपने उस मठ में चले जाएं जहां बैठकर वो राजनीति करते हैं। उस गोरखपुर में हालात बिगड़ गए हैं और गौवंश के नाम पर भारत में उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वहां पर अभी अभी जो ये घटना घटी है पीएसआई को गोली मारने की, गौवंश के मामले को लेकर ही है, तो कंट्रोल के बाहर है मामला। गौवंश का सुधारा करना है, अच्छी बात है, जो लोग गलत कर रहे हैं उनके साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी और हो रही है, मगर उसका जो टेंशन है, इधर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद है, आखिर देश में जो आम हिंदू है, आम मुसलमान है, देश का आम नागरिक है, वो कहाँ जाए? देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। ऐसे में रोज कभी राम जन्मभूमि का मुद्दा, कभी बाबरी मस्जिद का मुद्दा, कभी गौ हत्या का मामला, कभी गौ वंश का मामला, रोजी रोजगार का मामला, सोचने के लिए भाजपा सरकार क्यों तैयार नहीं है? आखिर ये लोग चाहते क्या है? जनता भुखमरी का शिकार होते जा रही है और हमारे जो नेता हैं वो हवाई जहाज में घूम रहे हैं, क्या होगा इस देश का? मैं खान फकरियाल, शक्ति समाचार के लिए, भिवंडी, महाराष्ट्र।